वेलकम टू द सेशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्म्स ऑफ बी एंड हैव, सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम बी की फॉर्म सीखने जा रहे हैं और जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म इज, एम या आर होती है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और बी की फॉर्म भरनी है तो इज, एम या आर वहाँ पर तीनों में से एक भरना होगा, जिसका अर्थ जैसे कि है, हूँ, हैं, इस तरीके से होता है। तो हमको भरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उस बात को ध्यान देंगे। अगर पास्ट टेंस की बात हो और बी की फॉर्म भरनी हो आपको, तो वॉज या वर दोनों में से एक भरना होगा। वॉज या वर का अर्थ, वॉज का अर्थ था और वर का अर्थ थे होता है। वैसे ही ऊपर हमने इज, एम, आर बोला था, तो इज का अर्थ है सिंगुलर के लिए, प्लूरल में अगर है की बात करनी हो जो कि हैं यू कहलाता है, उसमें आर आता है। और आई के साथ अगर हूँ इस तरीके का सेंटेंस यूज करना है तो इंग्लिश में उसकी जगह एम का यूज होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में अगर होंगा, होंगे, इस तरीके के वर्ड्स को हिंदी में जैसे हम लिखते हैं तो इंग्लिश में उसे बी की फॉर्म बोलते हैं, और बी की फॉर्म के रूप में विल बी और शैल बी का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, पास्ट में बी की फॉर्म होती है वॉज वर, और फ्यूचर में बी की फॉर्म होती है, फ्यूचर में जो बी होता है उसकी फॉर्म होती है विल बी या शैल बी। और विल बी लिख दो तो सबके लिए राइट ही होगा फ्यूचर के लिए। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइज भर के देख लेते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एट प्रेजेंट, इस समय ही, शी, जॉन अ डॉक्टर। इस समय जॉन, ही और शी जो भी हैं वो डॉक्टर है, तो आंसर में इज भरना है हमको। एट प्रेजेंट आई डैश डैश अ डॉक्टर, तो आई के साथ एट प्रेजेंट या वर्तमान की बात हो तो हमेशा एम ही भरना है। एट प्रेजेंट दे, वी एंड यू डैश डैश डॉक्टर, इस समय वे डॉक्टर हैं, तो दे हो, वी हो या यू हो, हमेशा आपको आर ही भरना है। अगर इन पास्ट, पास्ट की बात हो, इन पास्ट ही डैश डैश अ डॉक्टर, पास्ट में, पास्ट में वह एक डॉक्टर था, तो हमको वॉज भरना है। इन पास्ट आई डैश डैश अ डॉक्टर, पास्ट में हम डॉक्टर में डॉक्टर था, तो आई वॉज अ डॉक्टर। इन पास्ट, फ्यूचर में, पास्ट में आप एक डॉक्टर थे, आप, वी, दे, यू, तो वर आंसर भरना है। तो पास्ट की कोई भी बात हो तो आपको वॉज वर भरना है, फ्यूचर प्रेजेंट की बात हो तो इज, एम, आर भरना है। सिंगुलर के केस में प्रेजेंट में आपको इज भरना है, सिंगुलर के आई के केस में आपको एम भरना है, और प्लूरल के केस में आपको प्रेजेंट के अंदर आर भरना है। वैसे ही पास्ट का केस हो तो आपको प्रेजेंट के लिए वॉज भरना है, आई के लिए भी वॉज भरना है, और फ्यूचर जो है, प्लूरल जो है उसके लिए आपको, प्लूरल के लिए आपको पास्ट में बी की फॉर्म के रूप में वर का यूज करना है। तो हमने फ्रेंड्स देख लिया प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट जो है उसमें वॉज वर, और फ्यूचर जो है उसके अंदर हम विल बी भरेंगे, और आई के और वी के साथ शैल बी का यूज भी किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर ही, शी, जॉन विल बी डॉक्टर, तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक के लिए है, क्योंकि कभी सिंगुलर आ जाए, कभी ये ही आ जाए, कभी शी आ जाए, सबके लिए विल भी ही लगेगा। भविष्य में वह एक डॉक्टर होगा, भविष्य में मैं या हम, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, तो इन फ्यूचर आई शैल बी अ डॉक्टर, या भविष्य में हम डॉक्टर होंगे, तो इन फ्यूचर वी शैल बी डॉक्टर्स, भविष्य में हम डॉक्टर होंगे। इन फ्यूचर, भविष्य में दे या यू कोई भी हो, विल भी ही लगाना है। इन फ्यूचर दे विल बी डॉक्टर्स, भविष्य में वे डॉक्टर होंगे, या इन फ्यूचर यू विल बी डॉक्टर्स, भविष्य में तुम डॉक्टर होंगे। तो फ्यूचर की बात हो और विल की फॉर्म भरनी हो, बी की फॉर्म भरनी हो, तो विल बी ही भरनी है।
तो हमने डिफरेंस समझ लिया है तीनों में कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर विल की बी की फॉर्म क्या होगी। प्रेजेंट में बी की फॉर्म इज एम आर है, पास्ट में बी की फॉर्म वॉज वर है। प्रेजेंट में इज एम आर है बी की फॉर्म, पास्ट में बी की फॉर्म वॉज वर है, और फ्यूचर में बी की फॉर्म विल बी है। तो ये था डिफरेंस कि बी की फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे फिल अप की जाती है। अब हम देखते हैं कि हैव का यूज कैसे होता है तीनों फॉर्म में। तो विल सॉरी हैव का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, हमारा पोजेशन, पोजेशन मतलब हमारी कोई पजेसिव है, कोई चीज है, कोई हमारा वस्तु है, वो हमारे जिस राइट में है, कोई रिलेशन या कोई चीज हमारे पास में है, तो उसमें हैव का यूज होता है। तो हैव का प्रयोग वस्तु पर अपना, वस्तु या व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु ही लिखा है, लेकिन आप ह्यूमन बींग भी समझ लेना, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, वाइफ, ये सब हमारे रिलेशन हैं जो कि हमारे राइट्स में आते हैं। तो हैव का प्रयोग वस्तु पर अपना अधिकार बताने के लिए किया जाता है। हैव का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार बताने के लिए किया जाता है। अगर यह अधिकार प्रेजेंट का है, वर्तमान का अधिकार है, तो सिंगुलर के साथ हैव, हैज, और सिंगुलर के साथ हैज और बाकी सब प्लूरल या आई के साथ हैव का यूज होगा। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार। अगर हमारे पास एक कार है तो वी हैव अ कार। अगर दे के पास एक कार है तो दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। या बॉयज, बॉयज के पास एक कार है तो बॉयज हैव अ कार, ऐसा हमको लिखना होगा। लेकिन अगर हम सिंगुलर का यूज करते हैं, जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। राम हैज अ कार, राम के पास एक कार है। मोहन हैज अ कार, मोहन के पास एक कार है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर वाले हैं, उसमें हैज का यूज होगा, और जो प्लूरल वाले सब्जेक्ट हों, उसमें हैव का यूज होगा। अब अगली बात है पास्ट में, कि हमारे पास कोई चीज थी, लेकिन हमको इसमें ब्रैकेट में अगर हमको भरने के लिए दिया जाए, तो ब्रैकेट में हमको एक ही फॉर्म सब में दे रखी होगी, हैव। ब्रैकेट में जो इसकी रूट फॉर्म है वो हैव लिखी हुई होगी। ब्रैकेट में हैव दे रखा है, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से जगह खाली है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमेशा हैज ही भरना है। उसके बाद में अगर ब्रैकेट में हैव दे रखा है लेकिन प्लूरल है, तो हमको हमेशा हैव भरना है। अब दूसरी बात आती है पास्ट की, और ब्रैकेट में हमेशा सब के लिए हैव ही आएगा। जो भी सेंटेंस आपको 1 से 5 दिख रहे हैं, सब में ब्रैकेट में हैव दे रखा होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो हैज हैव भरना है, और अगर बात जैसे 3 और 4 सेंटेंस में, जैसे कि पास्ट है, मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार आएगा, या ही के पास एक कार थी तो भी हैड ही आएगा। तो आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ही हैड अ कार, ही के पास एक कार थी। इसलिए पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, पास्ट में सबके अंदर हेड ही आएगा। पास्ट में सबके अंदर हेड ही आएगा। आई हैड अ कार, ही हैड अ कार, शी हैड अ कार, दे हैड अ कार, वी हैड अ कार। कोई भी सब्जेक्ट को पास्ट में सब में हेड ही भरना है, और ब्रैकेट में हैव दे रखा होगा, क्योंकि ब्रैकेट में अक्सर प्रेजेंट फॉर्म भरी हुई रहती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसको हमको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे प्रेजेंट टेंस हो तो हैज हैव करो, और पास्ट टेंस हो तो सब में हैड ही भरना है। कोई चीज हमारे पास थी, हैड आएगा। कोई चीज हमारे पास है तो हैव या हैज, सिंगुलर के केस में हैज, प्लूरल के केस में हैव। और भविष्य में मेरे पास कोई चीज होगी, ऐसी बात करनी हो तो विल हैव भरना पड़ेगा। तो ही विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी। आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। और कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमको फायदा यह है कि हमको पास्ट की बात कर रहे हैं हम, या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं,
वहां पर हमको सिंगुलर प्लूरल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट में हर कंडीशन में हेड का यूज हो जाएगा और फ्यूचर हो तो विल हैव सब जगह अलाउड है। ही विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी। शी विल हैव अ कार, शी के पास एक कार होगी। राज विल हैव अ कार, राज के पास एक कार होगी। मोहन विल हैव अ कार, मोहन के पास एक कार होगी। दे विल हैव अ कार, उनके पास एक कार होगी। जॉन के पास एक कार होगी तो जॉन विल हैव अ कार। मेरे दोस्त के पास एक कार होगी तो माई फ्रेंड विल हैव अ कार। या फ्रेंड अगर प्लूरल हो गए, माई फ्रेंड्स विल हैव अ कार, मेरे फ्रेंड्स के पास में एक कार होगी तो भी फ्यूचर में विल हैव ही लगेगा। और फ्रेंड्स के पास ज़्यादा कारें होंगी, माई फ्रेंड्स विल हैव मैनी कार्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको सब्जेक्ट ही देखना है और हमारा कंसेप्ट हमको क्लियर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेशन जिसमें हमने सीखा बी की फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होती हैं, और वैसे ही हैव की फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होती हैं। यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब की तरह उपयोग में लिया जा रहा है, ये किसी की हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो हैव है वो मेन वर्ब, एक मुख्य एक्शन के रूप में काम में आ रहा है। बाकी जगह जो हम हैव भरते हैं, जो मैंने आपको पिछले टेंसेज में सिखाया हैव बीन और हैड बीन और ये सब भरते हैं, वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आ रहे हैं। बट हियर द वर्ड हैव, वर्ब हैव इज यूज्ड एज अ मैन वर्ब, सो इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। और बी की फॉर्म भी जो है वो भी बी सब जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आता है, जिसमें हम इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बी का जो फॉर्म है वो बी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए बी का यूज हमको अलग से सीखना ही होता है और प्रैक्टिस इसकी लगातार करते रहना। आज के सेशन में इतना ही, नए वीडियो के साथ मैं आपको नए टॉपिक के साथ कम्युनिकेट जरूर होऊंगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।